जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनो तुने शिव शिवम। सभी साथियों को जय भोलेनाथ। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सेट टू। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले बता दूं, एक बच्चे का कमेंट आया था, वो बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा स्पीड मत बढ़ाया करो, तो मैं बिल्कुल सिंपल वे में करवाऊंगा और जो बच्चे इनिशियल स्टेज में हैं, बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं, वो भी इन तरीकों को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखो। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे बताना है कितना होगा, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और छोटा विकर्ण दे रखा है 12 का। ठीक है, ये देखो भुजाएं क्या होती है, समानांतर चतुर्भुज की, समचतुर्भुज की बराबर होती है, तो 10 सेंटीमीटर सभी भुजाएं बराबर है। इसके जो विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो ये यहाँ पर काटते हैं ना, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को विकर्ण, ये 90 डिग्री पर काटते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर ये डायगोनल इसकी बात करें विकर्ण की, तो ये 12 है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये वाली ये हो जाएगी 6, और ये आपको पता है 10 है। और इसका एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है ना, वो ये होता है। सबसे पहले जब भी आप मेंसुरेशन का कोई भी सवाल हल करते हो, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये फार्मूला है, यहां से आपको क्या पता चला है कि 1/2, ये है विकर्ण पहला, इसकी पता है आपको 12 है, 12 सेंटीमीटर है। अगर ये पता चल जाए ना, तो इसको गुणा कर देंगे, यहां पर आंसर आ जाएगा। और ये पता कैसे करेंगे, देखो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, जिसका ये क्या है परपेंडिकुलर तो है 6, और ये बेस बन जाएगा एक्स, इसको मान लेते हैं, और ये क्या बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा कर्ण। ठीक है, और आपको पाइथागोरस प्रमेय से पता चलेगा, बेस का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, इस कर्ण के स्क्वायर के बराबर, यानी 100 के बराबर। तो यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 - 36, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ अंडर रूट कर देना, इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अब आपको पता चल गया है कि ये क्या है, x 8 आया है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये पूरा डाय अगर हम बात करें इसकी विकर्ण की, तो ये हो जाएगा 8 8 कितना, 16। अब d2 की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, ये है 16, इसको काट देना, 2 6 12 और 16 6 96, 96 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीन वस्तुओं को प्रति वस्तु 200 रुपए मूल्य पर खरीदा गया है, ये पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु, यानी कि प्रत्येक वस्तु को 200 200 रुपए में खरीदा गया है, कॉस्ट प्राइस क्या है इनका, 200 200 रुपए है। अगर मैं बात करूं तीनों वस्तुओं को कितने रुपए में खरीदा गया है, तो 600 रुपए में खरीदा गया है। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये क्या रखा है इसमें कि एक को तो उसने बेच दिया 12.5% की हानि पर, और जो दो अन्य वस्तु बची है ना, उसको किस मूल्य पर बेचा गया हो, जिससे पूरे सौदे में 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो दोनों वस्तुओं पर होने वाला लाभ बताना है, यानी कि दो वस्तुओं पर कितना लाभ लिया है ये बताना है, और टोटल लाभ दे रखा है 20% का प्रॉफिट हुआ है। देखो तीनों वस्तुएं खरीदी 600 रुपए में, तो तीनों को अब वो बेचता है 20% प्रॉफिट पर, तो 600 रुपए का 20% निकालेंगे ना प्रॉफिट सीधा, डायरेक्ट 120/100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 720 रुपए में। क्या करी है उसने, तीनों वस्तुओं को सेल किया है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं पहली कंडीशन क्या थी, पहली वस्तु को उसने जो है ना 12.5% की हानि पर बेचा है, तो इसका मतलब 200 रुपए की चीज थी, इसका मतलब 12.5% कम कर दिया, तो इसका मूल्य कितना रह जाएगा, 87.5% निकाल देना। ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लिख दिया मैंने, 0 से 0 2 5 10, 5 से काट दिया। इस वस्तु को पहले वाली को इसने कितने रुपए में बेच दिया, 175 रुपए में बेच दिया, जबकि इन तीनों वस्तुओं को इसमें बेचा गया 720 रुपए में। ठीक है, 175 जो ये पहली वस्तु बेची गई है ना, इसमें से ये माइनस कर देंगे कुल जो 720 रुपए में बेची गई है तीनों वस्तुओं में से, तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस, दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो देखो 200 रुपए और 200 रुपए टोटल मिलाकर 400 रुपए में खरीदी गई है ये दो वस्तुएं, दूसरी और तीसरी। ठीक है, और बेच दी कितने रुपए में, 545 रुपए में, तो प्रॉफिट यहां से कितना मिला है, 145 रुपए का प्रॉफिट मिला है, कितने रुपए पर, 400 रुपए पर। इसका प्रतिशत बताना है, तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे, आंसर निकाल दोगे, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 2 और 4 6 24, फिर बचेंगे कितने, 1, फिर बचेगा 4 2 8 और 4 5 20, ये प्रॉफिट हो जाएगा 36.25%। बी की तुलना में ए 5 गुना कार्य कुशल है, बी की तुलना में ए 5 गुना कार्य कुशल है, तो इसका मतलब ये होता है ये एक टेबल एक दिन में बनाता है, तो ये 5 टेबल बना देता है, इसका मतलब ये है। और ये क्या होती है, अक्षमता होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी, काम करने की अक्षमता। ठीक है,
अब देखते हैं आगे क्या कर रखा है। यदि ए कार्य को पूरा करने में 20 से 52 दिन कम लेता है, 20 से 52 दिन का समय कम लेता है, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। देखो अक्षमता का और समय का जो रेशियो होता है ना वो उल्टा होता है, रिवर्स। समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 1:5 में। इससे क्या पता चलता है, ए जो है ना 20 से कितने कम समय में काम को कर देता है, यानी 4 दिन कम में कर देता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है कि 52 दिन कम लेता है, 52 दिन कम, इसको रखेंगे 52 के बराबर। तो 4 एकम 4 और 4 3 12, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 13। तो इसमें गुणा कर देना 13, एक यूनिट की वैल्यू 13 है, तो ये हो जाएगा ए किसी कार्य को 13 दिन में करता है, और बी कितने दिन में करता है, इसको भी 13 गुणा कर देना, 13 5 65, ये हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन सिंपल हो गया है, ए किसी कार्य को 13 दिन में कर देता है, बी उसी कार्य को 65 दिन में कर देता है, दोनों कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी, फिर यह ट्रिक अप्लाई कर देना, दोनों को गुणा करना है 13 गुणा में 65, और इसको डिवाइड किससे करना है, इनके योग से। ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 6 और 1 7, 13 6 का 78, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 सही 5/6 दिन में कर देंगे दोनों मिलकर। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जिसे 12, 21 और 35 को अगर डिवाइड करेंगे, उस संख्या को इनसे डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचना चाहिए। जब आपसे छोटी से छोटी संख्या की बात करता है तो इसका मतलब वो एलसीएम निकालने की बात करता है, जब आपसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वहां पर निकाला जाता है। तो यहां पर हम इसका एलसीएम निकाल देंगे, वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो 12 और 21 और 35 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी, 0 शेष पर प्राप्त होगा, बस उसमें ये 2 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तो किस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, इसको देखो 3 और 4 फैक्टर बना लेंगे, 3 चौके 12, इसके करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 21, और इसके करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35। अब इनमें से कॉमन को उठाते हैं, पहले ये 3 है, ये 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 है और ये 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7। बचा क्या है यहाँ पर, ये बच गया 4 और यहाँ पर बचेगा 5, तो इसको गुणा कर देंगे, 5 चौका 20 और 20 3 60, और 60 को गुणा करेंगे 7 में, तो 7 6 का 42, 420 क्या हो जाएगा। ये एक ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जो 12 से भी 21 से भी और 35 से भी पूरा पूरा डिविजिबल है। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ 2 शेष बचे तो यहाँ पर लिख देना 2, आंसर आ जाएगा 422। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ, यदि सभी मत वैलिड है तो विजेता प्रत्याशी को 1,56,200 मत प्राप्त होते हैं, तो कुल मत बताने हैं। देखो 3:10 में प्राप्त हुए हैं, तो इसका मतलब कुल वोट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब 13 पड़ी है इस रेशियो के हिसाब से। तो यहाँ पर दे रखा है विजेता उम्मीदवार को कितने मिले हैं, 1,56,200 वोट प्राप्त हुई है, लेकिन इस रेशियो के अकॉर्डिंग तो 10 प्राप्त हुई है, तो 10 से इसको डिवाइड कर देना, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,620, ये वोट एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। कुल वोट कितनी है, 13, तो 13 को इसमें गुणा कर देना, 15,620 × 13, ये आंसर आ जाएगा 20, 30 और ये 60, ये आ जाएगी कुल वोट। 2 पॉजिटिव संख्याओं के वर्गों का योगफल दे रखा है 2426, उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या बतानी है। कोई भी एक संख्या मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये x है, यानी कि एक संख्या का वर्गमूल जो है वो कितना है, 7 है। तो यहां से क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा अंडर रूट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 आ जाएगी। अब हम दूसरी संख्या आसानी से बता सकते हैं, x की वैल्यू यहां रख देना, तो x कितना है 49, तो x का स्क्वायर करेंगे और इसको इसमें से घटा देंगे तो y स्क्वायर प्राप्त होगा। अब स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहला स्क्वायर करने की ट्रिक बताता हूं, 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहां लिखेंगे 81, इसका 8 ले लेंगे कैरी, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, 9 का स्क्वायर कैसे कर दिया, 8 कैरी ले लिया, 4 निमा 36 और 36 2 72 में 8 जोड़ देना, 80 हो जाएगा, 8 फिर कैरी आ जाएगा, इस 4 का स्क्वायर करना है 16 और 16 में 8 जोड़ देना, ये हो जाएगा 24। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का। ठीक है, अब यहां से आपको पता चल गया एक्स स्क्वायर कितना है, 2401 है, प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, टोटल मिलाकर 2426, यहां से वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसमें से 2401 ये माइनस हो जाएगा, यानी कि कितना बचेगा यहां पर, 25। तो वाई स्क्वायर 25 है तो वाई कितना हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट कर देना, ये आ जाएगा 5, वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ जाएगी दूसरी संख्या 5 आंसर। ए ने 9,000 रुपए 5% दर से 3 साल के लिए उधार ले लेता है, और फिर ये ए क्या करता है, इस बी को ये राशि 7% पर दे देता है 3 साल के लिए, तो बताना इसने प्रॉफिट कितना लिया। देखो
इसका मतलब ये है 15% ये ब्याज देगा जिससे इसने उधार लिया है, 15% साधारण ब्याज की बात है, तो 5 साल में 5% से 3 साल में 15% ब्याज ये जिससे लिया है उसको देगा। लेकिन इसने क्या किया है 7% पर भी को दे दिया, तो इसका मतलब ये 20 से 21% ब्याज लेगा। ठीक है, तो ये किस कितना कमा रहा है, 15% पर तो इसने लिया है और इसको दे दिया बी को 21% पर, तो इसका मतलब इसने जो है 21 में से 15 माइनस करेंगे तो 6% का प्रॉफिट उठाएगा, और 6% निकाल देंगे 9000 का, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 9000 का 6% प्रॉफिट ही लेगा ये, तो 5,40 रुपए का प्रॉफिट लेगा, ये आंसर हो जाएगा। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों आकृति आपको एक साथ दे दी, आयत भी दे दी, वृत्त भी दे दिया और ये वर्ग भी दे दिया। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, देखो एक आयत की जो लंबाई है एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है, यदि आयत की चौड़ाई 20 है, ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, अगर हमें लंबाई का पता चल जाए तो बात बन जाए, और लंबाई इसकी क्या है, जितनी इसकी त्रिज्या है ना वृत्त की, इसका 2/5 इसकी लंबाई है, और जो इसकी त्रिज्या है वो इस वर्ग की भुजा के बराबर है, तो वर्ग का एरिया दे रखा है 4900, और वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, यहां से भुजा आ जाएगी 70, इसका मतलब इस त्रिज्या जो है ना आर वो है कितनी 70, और 70 का 2/5 अगर मैं निकाल दूं तो ये बनेगा 28, ये जो 28 है ना ये क्या है इसकी लंबाई है, ये हो जाएगा 28, तो इसका रेक्टेंगुलर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई, और आंसर आ जाएगा लंबाई कितनी है इसकी 28, चौड़ाई कितनी है 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 560, ये हो जाएगा वर्ग मीटर, ये आंसर बनेगा। चीनी की कीमत में प्रति किलो 25% कमी होने के कारण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 25% की कमी हुई है, इसको लिखेंगे 25 और 100 में से माइनस करके नीचे लिख देना, ये हो जाएगा 75। 30% की कमी होती तो यहाँ लिखते 30 और नीचे लिख देते 100 में से घटा के 30 को 70 लिख देते। ठीक है, 25% लाभ होता तो यहाँ पर क्या कर देते, चीनी का मूल्य में क्या हो जाती 25% का वृद्धि हो जाती ना, तो हम यहाँ लिख देते 25 और नीचे लिख देते 125, यहाँ तक बात क्लियर है ना, तो अब यहाँ लिखेंगे 1200 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, ये लिखेंगे 10 किलोग्राम चीनी या कुछ भी वो सामान ज्यादा या कम खरीदती है वो यहाँ लिख देंगे, और इससे क्या आ जाएगा डायरेक्ट मूल कीमत आ जाएगी, पहले वाली कीमत, आंसर क्या हो जाएगा देखो 0 से 0 25 दिया 75, 3 से काट देना 3 चौके 12 0, 40 रुपये प्रति किलोग्राम था चीनी का मूल्य, ये आ जाएगी मूल कीमत। वर्तमान कीमत पूछता ना, वर्तमान कीमत देखो मूल कीमत तो ये है 40, तो 25% की कमी हुई है, तो इसका मतलब इसका मूल्य 25% क्या हो जाएगा 25% कम कर दिया, तो 0 से 0 ये आ जाएगा 5 एकम 5 और कटेंगे तो 5 5 25 5 2 10 2 से 2 2 4 तो 15 2 30, ये हो जाएगा 30 रुपये प्रति किलोग्राम वर्तमान का भाव, ये पहले का भाव इस तरीके से निकाल दें। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दी जाए तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100 और आंसर कितना हो जाएगा 10 और 10 20 और 1 21% की वृद्धि हो जाएगी उसके एरिया में। एन संख्याओं का औसत 36 है, यदि 75% संख्याओं में से, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, देखो 75% संख्याएं, तो 75% का मतलब 75/100, तो 3/4 कुल संख्याएं हैं कितनी 4, तो एन की वैल्यू हमने क्या मान ली, कुल 4 संख्याएं जिनका औसत कितना है 36 है, यहां से क्वेश्चन की ट्रिक बन गई। अब कह रहा है इसमें 75% संख्याओं में 5 की वृद्धि की जाती है, तो कुल संख्याएं 4 है, तो उसका 75% निकालेंगे, 3 संख्याएं बचेंगी जो, इनमें क्या किया जाता है 5 की वृद्धि कर दी जाती है, तो प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि हुई है, तो 3 × 5 = 15 कुल वृद्धि हो जाएगी 15 की। ठीक है, और जो शेष बच जाती है संख्याएं उसमें 8 की कमी कर देता है, शेष संख्या कितनी बचेगी 4 में से 3 तो यहाँ आगी, ये 1 बचेगी, तो इसमें 8 की कमी करेगा तो 8 की यहाँ पर कमी हो जाएगी, तो कुल 4 अंकों की 4 संख्याएं है ना, इसमें कितनी वृद्धि हुई है 7 की वृद्धि हुई है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे औसत आ जाएगा, यानी कि औसत में 1.75 की वृद्धि हुई है, और अगर पूछता है कुल वृद्धि कितनी हुई है टोटल नया औसत क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे 36 में जोड़ देना 1.75, तो नया औसत आ जाएगा 5, 7 और ये 7 और ये 3, यानी कि 37.75। अगर पूछता कितनी वृद्धि हुई है औसत में, तो 1.75 की वृद्धि हुई है, ये आंसर हो जाता। इस सवाल को देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट को, अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक साल में राशि 20,280 रुपये हो जाती है, इसका मतलब ये मिश्र धन है जिसमें ब्याज भी आपका इंक्लूड है, तो यहां से हम क्या करेंगे बताना है, उसी धनराशि पर
वार्षिक वही दर रहेगी 8%, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? एक नया तरीका आपको बताता हूं क्वेश्चन सोल्व करने का। देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और अर्धवार्षिक है, यहां पर वार्षिक दर अगर बात करें अर्धवार्षिक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाएगी और समय 2 गुना हो जाता है, आपको पता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बनेगी 4%, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 + 4 + 4 × 4/100, यानी कि 8.16% ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और आपके पास ये क्या है, अमाउंट, यानी कि इतने परसेंट राशि बढ़ के इतनी हुई है, 8.16% बढ़ गई। तो प्रिंसिपल को हम क्या करेंगे, इसको इतना बढ़ा देंगे 8.16, तो 100% होता है अपने आप में, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 108.16% बढ़ने के बाद 20,280 रुपये हो चुकी है, तो यहां से धनराशि 18,750 डायरेक्ट आ जाएगी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बेस्ट तरीकों में से एक तरीका है, ठीक है। अब क्या करना है, ये मूलधन आ गया 18,750 रुपये, तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वही बात फिर हम जैसे हमने यहां निकाला था, 8 + 8 + 8 × 8/100, ये आ जाएगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 16.64। तो बस इस राशि का 16.64% निकाल देना और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3120 रुपये, ये आ जाएगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है, 400 किलोमीटर की ये दूरी है, दूरी बटे में चाल समय होता है, तो मैंने यह कर दिया इसको, मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है तो उसे दूरी तय करने में 2 घंटे का कम समय लगता है, यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी को अगर 10 स्पीड बढ़ा देता है किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटे कम समय लगता है, तो इसका मतलब ये डिफरेंस है इनका चालों का, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन से उठा के रखना सबसे आसान रहेगा, क्योंकि यहां से एक्स की वैल्यू एलसीएम लेकर निकालोगे तो ज्यादा कैलकुलेशन बन जाएगी। एक्स की वैल्यू ऑप्शन से उठा के रख देना 40, तो 40 करेंगे यहां पर, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और यहाँ 40 रखते हैं तो ये हो जाएगा 50, इससे काट देना तो ये हो जाएगा 5 × 8 = 40, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब यहाँ पर 8 घंटे ही, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 10 घंटे लगते हैं और यहाँ पर 8 घंटे, इसका मतलब इनका डिफरेंस 2 घंटे का है, और जो कि सर्टिफाई कर जाता है, तो इसका मतलब जो चाल है उसकी गाड़ी की वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसको आप केवल और केवल ऑप्शन से ही आप इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये जो हमने सीरीज शुरू की है ना, कोशिश करूंगा मैं इसको बहुत जल्द खत्म कर दूं, 14 नवंबर से आपका पेपर है, 14 से पहले पहले मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो को पूरी देखा करो, और किसी प्रकार का कोई डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी टाइम पर कमेंट में लिख देना। जय भोलेनाथ।